क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स में आज आपके ऑनलाइन क्लास में अध्याय आठ में दिया है कणों का निकाय एवं घूर्णी गति। तो इस अध्याय में जो आज का टॉपिक है वो है कोणीय संवेग तथा जड़त आघूर्ण में संबंध। कोणीय संवेग और जड़त आघूर्ण में संबंध ज्ञात करना है। हम इसके पहले की ऑनलाइन क्लासेस में आपको बताए हैं कि कोणीय संवेग क्या है, जड़त आघूर्ण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से इसमें कोणीय संवेग और जड़त आघूर्ण में संबंध बताने के लिए पुनः आपको हम एक बार कोणीय संवेग बताएंगे। तो कोणीय संवेग क्या है ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो किसी पिंड का जो कोणीय संवेग है, कोई पिंड घूर्णन गति कर रही है किसी घूर्णन अक्ष के परितः, तो किसी पिंड का जो कुल कोणीय संवेग है वो जो होगा उस पिंड में उपस्थित सभी कणों के कोणीय संवेगों के योग के बराबर होगा। मतलब उस पिंड में जितने भी छोटे छोटे कण हैं उन सभी कणों का अलग अलग कोणीय संवेग होगा। क्यों? क्योंकि उन सभी कणों के द्रव्यमान अलग अलग है, घूर्णन सभी कणों के द्रव्यमान अलग अलग है। मान लीजिए कि द्रव्यमान M1 है, M2 है, M3 है, M4 M1 है, N पार्टिकल्स उपस्थित है, तथा उन M1, M2, M3, M4 -, MN जो कणों के द्रव्यमान हैं जो पिंड में उपस्थित हैं उनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां R1, R2, R3, R4 -, RN है। तो चूंकि घूर्णन अक्ष से उन कणों की दूरियां अलग अलग हैं, ठीक है, और जब कोई भी वस्तु घूर्णन गति करती है तो जब उस पर बाह्य बल आघूर्ण लगाया जाता है तो बाह्य बल आघूर्ण लगाने के लिए उसमें उन कणों के वेग अलग अलग होंगे, कोणीय वेग अलग अलग होंगे। मतलब हर कणों का जो वेग है वो अलग अलग होगा, याद रखना है आपको। चूंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि घूर्णन अक्ष से दूरियां R1, R2, R3 अलग अलग है तो सभी कणों के रैखिक वेग अलग अलग होंगे, ठीक है, और रैखिक वेग अलग अलग होंगे। लेकिन पिंड पर एक ही बाह्य बल आघूर्ण लगाया जाता है तो सभी कणों का जो कोणीय वेग होगा वो एक समान होगा, कोणीय वेग एक समान होगा, ठीक है, किंतु रैखिक वेग सभी कणों का अलग अलग होगा। क्यों? कि समान समय में जो जब बाह्य बल आघूर्ण लगाया जाता है तो समान समय में सभी कणों का कोणीय विस्थापन एक समान होता है, इसलिए कोणीय वेग सभी कणों का एक समान होगा। लेकिन रैखिक दूरियां हर कणों का अलग अलग है, रैखिक दूरियां अलग अलग है R1, R2, R3, तो रैखिक वेग अलग अलग होंगे। तो सभी कणों का रैखिक वेग अलग अलग लेकिन कोणीय वेग एक समान हो, तो ये आपको समझना है। इसके बाद हमको ये देखना है कि कोणीय संवेग क्या होती है, फिर हम किसी एक जनरल फार्मूला निकालेंगे कोणीय संवेग का, फिर उस कोणीय संवेग के लिए हम प्रत्येक कण के लिए अलग अलग कोणीय संवेग की गणना करेंगे। तो कोणीय संवेग बराबर होता है रैखिक संवेग गुणे दूरी, और रैखिक संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, क्योंकि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम संवेग कहते हैं, और गुणे दूरी। अब हम ये देखेंगे कि रैखिक संवेग द्रव्यमान गुणे वेग गुणे दूरी, तो हम अब इसको लिखेंगे। मान लीजिए द्रव्यमान m है, वेग v है और दूरी r।
जनरल फॉर्म, ठीक है। किंतु हम ये भी जानते हैं, किंतु ये भी इक्वल टू आर ओमेगा हुआ करता है। आपको मालूम है कि भी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, मतलब कोणी वेग और रेखी वेग में संबंध होता है भी की जगह। तो मतलब रेखी वेग बराबर वृत्ति मार्ग की त्रिज्या गुणे कोणी वेग। तो यही सूत्र हमारा बन जाएगा, एल इक्वल टू एम और भी की जगह आर ओमेगा इंटू आर। तो एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये हमारा जनरल फार्मूला हुआ कोणी संवेग के लिए। अब हम ये देखेंगे कि किसी कोई पिंड घूर्णन, किसी घूर्णन अक्ष की परिता घूर्णन गति कर रही है, तो उस पिंड का जो कुल कोणीय संवेग होगा, तो उस पिंड में उपस्थित सभी कणों के अलग अलग कोणीय संवेगों के योग के बराबर होगा। मतलब उस पिंड का उस अक्ष के परिता कुल कोणीय संवेग किसी पिंड का, पिंड में उपस्थित सभी कणों के अलग अलग कोणीय संवेगों के योग के बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं कि प्रथम कण का कोणीय संवेग, प्रथम कण का कोणीय संवेग L1 से यदि रिप्रेजेंट किया जाए, प्रथम कण का द्रव्यमान M1 है और घूर्णन अक्ष से दूरी R1 है, तो R1 स्क्वायर। और आपको बताया गया है कि सभी कणों का कोणीय वेग एक समान होगा, तो M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, ये प्रथम कण का कोणीय संवेग है। अब दूसरे कण का कोणीय संवेग बराबर होगा M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। तीसरे कण का कोणीय संवेग बराबर होगा, जो कि तीसरे कण का द्रव्यमान M3 है और कोणीय संवेग को यदि हम M3 से लिखें, तो M3 इक्वल टू M3 R3 स्क्वायर ओमेगा। तो M3 R3 स्क्वायर ओमेगा। और डैश यदि हम Nवे कण के कोणीय संवेग के लिए गणना करें, तो Nवे कण का कोणीय संवेग बराबर Ln बराबर होगा, Nवे कण का द्रव्यमान Mn है, तो Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। तो इस तरह से हम पिंड में जितने भी उपस्थित कण हैं, उन सभी कणों का अलग अलग कोणीय संवेग की गणना कर ली। इसके बाद हम पिंड का संपूर्ण या पिंड का कुल कोणीय संवेग ज्ञात करेंगे। तो पिंड का कुल कोणीय संवेग, कुल कोणीय संवेग, तो पिंड में उपस्थित जितने भी कण हैं, उन सभी कणों के कोणीय संवेगों के योग के बराबर होगा। तो L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस डैश Ln, ये सभी सदिश राशियां हैं, तो वेक्टर लगा दीजिए। और यहां पर आप जो L1 L2 L3 Ln फाइंड किए हैं, प्रथम कण द्वितीय कण तृतीय कण Nवे कण का जो कोणीय संवेग ज्ञात किए हैं, वो यहां मान रखना है। तो L इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस M3 R3 स्क्वायर ओमेगा प्लस डैश M1 Rn स्क्वायर ओमेगा। और ये L इक्वल टू होगा, हम देख रहे हैं कि ओमेगा सभी में कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर होगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डैश M1 Rn स्क्वायर। और L इक्वल टू होगा ओमेगा इंटू सिग्मा M1 स्क्वायर, क्योंकि सभी एक ही प्रकार के राशियों का योग के लिए हम सिग्मा चिन्ह पहले लगा देते हैं। तो L इक्वल टू ओमेगा इंटू सिग्मा M1 स्क्वायर। और यहाँ पर हम जानते हैं, अभी हम
जड़ता गुण आई इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर सिद्ध किए हैं, तो किंतु आई इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर, इसलिए एम इक्वल टू आई इंटू ओमेगा और एफ इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, यही कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण के बीच संबंध है। अर्थात किसी घूर्णन अक्ष के परिता किसी पिंड का जो कोणीय संवेग है वो पिंड का जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग के बराबर होता है। इसे हम कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध कहते हैं। इसके बाद आगे जो है आपका टॉपिक, हम बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध देखेंगे। बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध किस तरह से ज्ञात किया जाए, तो बल आघूर्ण आपको पहले भी बताया गया है और जड़त्व आघूर्ण के बारे में भी बताया गया है, तो दोनों के बीच हमें संबंध ज्ञात करना है कि किस तरह से हम दोनों के बीच संबंध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध, बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इनके बारे में हमको जो है संबंध ज्ञात करना है। तो वही हम मान लीजिए कि कोई पिंड है किसी अक्ष ए बी के परिधान घूर्णन गति कर रही है, ठीक है, पिंड में कई छोटे छोटे कण जिनके द्रव्यमान यम वन यम टू यम थ्री यम फोर हैं और इनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां आर वन आर टू आर थ्री अप टू आर फोर और डैश डैश आर एन, तो पिंड में कई छोटे छोटे कण जिनके द्रव्यमान यम वन यम टू यम थ्री डैश डैश यम एन हैं और घूर्णन अक्ष से दूरियां आर वन आर टू आर थ्री अप टू आर एन, तो इस पिंड का में हम कोणीय वेग उत्पन्न करने के लिए एक बाह्य बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब तक हम इस पर बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाएंगे तो इसमें कोणीय वेग उत्पन्न नहीं होगा। तो ये हमको निकालना है कि बल आघूर्ण जो लगाया जाएगा इस पर और इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण है उन दोनों में क्या संबंध है, ये ध्यान देखना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी, और बल को हम बदलेंगे द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे दूरी, और द्रव्यमान एम यदि हम रेखित त्वरण को ए से लिखें और दूरी को आर से लिखें तो बल आघूर्ण टाम इक्वल टू एम ए आर, मतलब पिंड का द्रव्यमान गुणे रेखित त्वरण गुणे दूरी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये बल आघूर्ण का हुआ। अब हम जानते हैं कि रेखी त्वरण और कोणी त्वरण में जो संबंध होता है ये आपको देखना है। यहाँ पर ए के लिए तो कोणीय त्वरण और रेखी त्वरण के बीच संबंध, आपको मालूम है कि कोणीय त्वरण और रेखी त्वरण के बीच जो संबंध है वो क्या होता है, a इक्वल टू आर अल्फा, a इक्वल टू आर अल्फा, a क्या है रैखिक त्वरण, रैखिक त्वरण बराबर होता है दूरी गुणे कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, तो इस तरह से रैखिक त्वरण इक्वल टू घूर्णन अक्ष से दूरी गुणे कोणीय त्वरण, ये रैखिक त्वरण और कोणीय त्वरण के बीच का संबंध है, ये वृत्ति गति में प्रूफ करके बताया जा चुका है। तो a का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तब बल आघूर्ण का मान बदल जाएगा, बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा टाउ इक्वल टू एम और a की वैल्यू आर अल्फा इंटू आर, तो मिलेगा यम आर
आर स्क्वायर अल्फा एम आर स्क्वायर अल्फा टाउ इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा, मतलब उस पिंड का ये बलाभूर्ण आएगा जिसका द्रव्यमान एम है, घूर्णन अक्ष से दूरी आर है और कोणीय त्वरण जो है अल्फा उत्पन्न करने के लिए हमको उस पर जो बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा वो टाल इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा होगा। अब ये तो जनरल फार्मूला हुआ बल आघूर्ण का, लेकिन किसी पिंड में कई छोटे छोटे कण उपस्थित हैं तो सभी कणों का बल आघूर्ण अलग अलग होगा। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे कि प्रथम कण का बल आघूर्ण का गणना हम करेंगे। तो बल आघूर्ण टाउ वन इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा, दूसरे कण का बल आघूर्ण टाउ टू इक्वल टू एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा, तीसरे कण का बल आघूर्ण बराबर होगा टाउ थ्री इक्वल टू एम थ्री आर थ्री स्क्वायर अल्फा। तो यनवे कण का बल आघूर्ण कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण टाउ एन इक्वल टू एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा। तो कुल बल आघूर्ण कितना है? कुल बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री प्लस टाउ एन, सभी की वैल्यू रख देंगे तो टाउ इक्वल टू मिलेगा हमको पहला एम वन आर वन स्क्वायर अल्फा प्लस एम टू आर टू स्क्वायर अल्फा प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर अल्फा प्लस डैश डैश प्लस एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा। ये सभी कणों का हमें जो मिला कुल बल आघूर्ण मतलब कोणीय त्वरण अल्फा कोणीय वेग ओमेगा उत्पन्न करने के लिए किसी पिंड पर हमें लगने वाला जो कुल बल आघूर्ण होगा वो हमको सभी कणों के बल आघूर्णों के योग के बराबर होगा। तो आगे आएगा कुल बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू, हम देख रहे हैं अल्फा कॉमन है तो अल्फा बाहर ले लेंगे अंदर एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर प्लस डैश डैश एम एन आर एन स्क्वायर और टाउ इक्वल टू अल्फा, और इसको लिख सकते हैं सिग्मा एम आर स्क्वायर क्योंकि एक ही तरह की राशियों का योग है, एक ही तरह के राशियों का योग है तो सिग्मा चिन्ह यहाँ योग को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इस तरह से बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू किंतु ये सिग्मा एम आर स्क्वायर इक्वल टू आई, ये आई क्या कहलाता है? जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण आपको हम अभी इसके पहले ऑनलाइन क्लास में बताए हैं कि किसी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण है वो पिंड का द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से उस पिंड की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो पिंड का द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम सिग्मा एम आर स्क्वायर की जगह आई लिख सकते हैं, आई जो है जड़त्व आघूर्ण है। तो तब हमें बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में जो संबंध मिलेगा वो मिलेगा टाउ इक्वल टू अल्फा इंटू आई या टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इट इज रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, व्हेन इन बॉडी इज इन मोशन स्टेट, ठीक है, इन रोटेशनल मोशन, ठीक है,
बॉडी रोटेट इन अराउंड द एनी एक्सिस। सो इस तरह से हम आपको यहाँ पर लिख सकते हैं कि बल आघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण आई को हम लिख सकते हैं, जड़त्व आघूर्ण गुणे अल्फा को क्या लिख सकते हैं, कोणीय त्वरण। तो इस तरह से बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण के बीच संबंध आपको मिला। अब आगे की टॉपिक में हम घूर्णन गतित ऊर्जा के लिए व्यंजक याद करेंगे कि घूर्णन गतित ऊर्जा का व्यंजक कैसे हमको मिले, ठीक है। तो घूर्णन गतित ऊर्जा का व्यंजक आगे की टॉपिक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आप जानते हैं कि जो गतित ऊर्जा है उसका सूत्र है 1/2mv², ठीक है, लेकिन ये रैखिक गति के लिए है। लेकिन यदि कोई वस्तु घूर्णन गति करती है तो भी उसमें ऊर्जा जो होगी वो घूर्णन गतित ऊर्जा कहलाएगी। तो घूर्णन गतित ऊर्जा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, फिर वही डायग्राम बनाएंगे। कोई ए बी अक्ष के परिता घूर्णन गति कर रही है, M1, M2, M3, M4 कई छोटे छोटे कण हैं पिंड में उपस्थित जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां R1, R2, R3, R4, R1। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि चूंकि द्रव्यमान अलग अलग है और द्रव्यमानों के पिंड में उपस्थित सभी कणों के द्रव्यमानों के घूर्णन अक्ष से दूरियां अलग अलग हैं तो उनके रैखिक वेग भी अलग अलग होंगे। यदि उनके रैखिक वेग v1, v2, v3, vn, ठीक है, तब हम यहाँ लिखेंगे कि यदि कणों के द्रव्यमान m1, m2, m3, vn हैं तथा घूर्णन अक्ष से दूरियां r1, r2, r3, rn तथा उनके रैखिक वेग v1, v2, v3, vn तब सभी कणों का कुल घूर्णन गतित ऊर्जा, तब कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर 1/2m1v1² + 1/2m2v2² क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको मालूम है ½mv², तो पहले कण का ½m1v1², दूसरे कण का ½m2v2² प्लस 1/2m3v3² प्लस ½m2vn² ये मान आया हुआ है। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध v=r ओमेगा होता है, तो यहाँ पर किंतु कोणीय वेग ओमेगा और रैखिक वेग भी में संबंध v=r ओमेगा, तो पहले कण का v1=r1 ओमेगा, v2=r2 ओमेगा, v3=r3 ओमेगा और vn=rn ओमेगा। अब v1, v2, v3 के हम मान रखेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा कुल घूर्णन गति ऊर्जा बराबर हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, 1/2m1 v1 की जगह r1 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1/2m2 v2 की वैल्यू r2 ओमेगा का होल स्क्वायर क्योंकि v2 स्क्वायर प्लस 1/2m3
आर थ्री ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस वन अपॉन टू एम एन आर एन ओमेगा का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट वन अपॉन टू एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एम थ्री आर थ्री स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमको घूर्णन गतिज ऊर्जा को यदि हम के से प्रदर्शित करें तो के इक्वल टू होगा वन अपॉन टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर थ्री स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर प्लस डैश डैश एम एन आर एन स्क्वायर और के इक्वल टू वन अपॉन टू ओमेगा स्क्वायर इसको सिग्मा एम आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, और सिग्मा एम आर स्क्वायर इक्वल टू आई किंतु सिग्मा एम आर स्क्वायर इक्वल टू आई तो के इक्वल टू वन अपॉन टू आई ओमेगा स्क्वायर ये घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो इस तरह से इस चैप्टर में और भी इस पर आधारित आंकिक प्रश्न है उनको हल करना है उदाहरण में और आपके चैप्टर कंप्लीट होता है। फेयर कॉपी बनाएंगे आपको नोट्स भी भेजे जाएंगे तो इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे। ठीक।